सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा हमेशा की तरह जो है तो कुछ न कुछ चर्चाओं पर जो है तो बात करता हूं, और आज भी जो है तो हम इस खास चर्चा पर जो है तो हमारे साथ सीओ साहब अनूपपुर जनपद पंचायत से जो हैं तो मौजूद हैं। और मैं सबसे पहले तो एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये प्रोग्रामिंग चैनल है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर जो है तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हर तरह की जानकारियों को जो है तो कैसे आपके सामने तक ला सकें, तो ऐसी कुछ खास जानकारियों के साथ जो है तो मैं आज आपके सामने जो है तो ग्राम पंचायतों से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां और ख़ास करके इस कोरोना काल को लेकर के जो है तो जनपद पंचायत जो है तो किस तरह से मददगार साबित हो रहा है, और कैसे जो है तो ग्राम पंचायतों तक जो है तो लोगों की योजनाएँ और जो तमाम सारी जो बातें हैं वो आज हम सीओ साहब से जानेंगे। बीएम मिश्रा जी जो है तो हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, और यहाँ पर एक मेरा छोटा सा सवाल है कि अभी जो है वर्तमान की जो स्थितियाँ, क्योंकि एक साल से लगातार जो है तो ये देखा जा रहा है कि कोरोना काल की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में बहुत सारे काम काज भी डिस्टर्ब हुए हैं, तो अभी का जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए जो है तो आप लोगों की जो कार्यशैली है वो कैसी है, आप लोग किस तरह से जो है तो लोगों तक पहुँच रहे हैं और कैसी मदद कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है ये। मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर वीरेन्द्र मणि मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे अनूपपुर जनपद में 49 ग्राम पंचायतें हैं। 49 ग्राम पंचायतों में जो कोरोना काल की जो गतिविधि चल रही है ये हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग है, और इस चैलेंज को हमने स्वीकार किया है। प्रदेश का और ज़िले का जो मार्गदर्शन है उस मार्गदर्शन के अनुसार हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं कि हमारे 49 ग्राम पंचायतों में 5 ग्राम पंचायतें रेड जोन में हैं, 20 ग्राम पंचायतें ऑरेंज जोन में हैं, और 24 ग्राम पंचायतें हमारी ग्रीन जोन में हैं। अब 5 जो रेड जोन की ग्राम पंचायतें हैं उनमें से बदरा, लतार, खुड़ेरी नंबर 1, प्यारी नंबर 1 और परासी ग्राम पंचायतें, इन ग्राम पंचायतों में कुल मिलाकर के जो पॉजिटिव केस हैं रेड जोन की पंचायतों में 97 हैं, ऑरेंज जोन की 20 पंचायतों में 58। कुल मिला के आज हमारी ग्राम पंचायत में 155 केस एक्टिव हैं, जबकि इसके पूर्व 446 का ये आंकड़ा पहुँच चुका था। परंतु हम और हमारी टीम ने, जनपद की टीम ने गाइडलाइन के अनुसार काम किया और हम 291 लोगों को निगेटिव करने में और अर्थात स्वस्थ करने में हम सफल रहे हैं। आज मैं आपको बड़ी प्रसन्नता के साथ बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो रेड जोन की ग्राम पंचायतें हैं उन ग्राम पंचायतों में भी संक्रमण की गति बहुत धीमी पड़ गई है। हमारा 3 स्तर का एक अभियान चल रहा है। पहला स्तर ये है कि जो भी व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है उसके घर को हम कंटेनमेंट जोन बना देते हैं, उसको हम आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट करने के बाद मेडिसिन किट उसको प्रदान की जाती है, और साथ ही उसके घर के, उसके परिवार के लोगों को यदि सर्दी खांसी बुखार है तो जिला के निर्देश के अनुसार हम उन लोगों को भी दवाई की किट, मेडिसिन की किट उपलब्ध कराते हैं, और खाने का तरीका हमारी किल कोरोना फेज 3 की टीम बताती है। और उसके घर के आसपास हम पूरा बाड़ लगा देते हैं, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं होती। ऐसा करके हम इन 5 रेड जोन की ग्राम पंचायतों को बहुत शीघ्र, ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह के अंदर हम ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी दूसरे स्तर की टीम यह है कि किल कोरोना सर्वे फेज 3 का जो अभियान चल रहा है लगभग 90% ये कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। बहुत ही कम पंचायतें ऐसी बची हैं, बहुत कम मजरे टोले ऐसे बचे हैं जहाँ अभी हमारी किल कोरोना फेज 3 की टीम नहीं पहुँच पाई है, तो उनको हम सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ग्राम पंचायत की तरफ से हम उनको मास्क देते हैं, सैनिटाइजर देते हैं,
ग्लव्स, हैंड ग्लव्स देते हैं, जिससे हमारे कर्मचारी, मैदानी अमले के कर्मचारी किसी प्रकार से संक्रमित ना हो और हमारे काम में बाधा ना आए। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुआ कि हमें अगले 31 मई तक जनता कर्फ्यू प्रत्येक गांव में और प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगा के रखना है। हम उस निर्देश का पालन करते हुए अक्षरशः हम उस निर्देश का पालन करेंगे और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया है, हमें मार्गदर्शन प्रदान किया है कि हम घर घर पहले तो सर्वे करवाएंगे, घर घर सर्वे कराने के पश्चात हम टेस्टिंग करवाएंगे और टेस्टिंग में जो पॉजिटिव लोग आते हैं उन्हें हम ट्रीटमेंट करने का, उन्हें हम दवाई देने का, उन्हें हम आइसोलेट करने का प्रयास करेंगे और इन गतिविधियों से निश्चित रूप से हमारे जनपद की स्थिति, हमारे समस्त ग्राम पंचायतों की स्थिति में लगातार सुधार आया है और आज पॉजिटिव होने का जो रेट है वो 8% से भी कम हमारे जनपद में हो गया है। मैं इन विशेष बातों के साथ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो मनरेगा की गतिविधियाँ हैं, मनरेगा की गतिविधियों में अभी कुछ दिनों पहले शासन ने 17 तारीख तक रोक लगाई थी, जिसके कारण से यदि एक किसी भी ग्राम पंचायत में एक भी प्रकरण पॉजिटिव थे वहाँ पर हमने काम बंद कर दिया था। आज हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि मजदूरों की रोजी रोटी और उनका पलायन ना हो, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। इस कारण से हमने ये आज से शुरुआत की है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जिन ग्राम पंचायतों में ऑरेंज और ग्रीन जोन है उन ग्राम पंचायतों में हम मजदूरों को काम देने के लिए कटिबद्ध हैं, शासन का निर्देश भी है, उन ग्राम पंचायतों में हम COVID-19 का पालन करते हुए काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर, आपने अच्छी जानकारी दी और इसके साथ जो है तो थोड़ा सा एक और चर्चा करते हैं, जैसे कि अनूपपुर जनपद में लगभग कितनी ग्राम पंचायतें होंगी और इस एक वर्ष में जो है तो क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, इनके बारे में भी शायद विधिवत जानकारी आपको होगी, क्योंकि देखिए लोगों के जीवन यापन से भी जुड़े हुए जो उनकी दिनचर्या है और तमाम कई तरह की चीज़ें हैं जिनमें काफ़ी सारी जो है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से कोरोना महामारी पिछले फरवरी से जो प्रारंभ हुई है, हमारे जनपद के लोगों का भी, जनपद में स्थित ग्राम पंचायत के लोगों का भी जीवन प्रभावित हुआ है। कुछ सब्जी व्यापारी थे, कुछ खेतिहर मजदूर थे, कुछ डेली रूटीन में अपनी किराना की दुकान चलाते थे, कुछ अपनी चाय पान की दुकान चलाते थे। कुल मिलाकर के ऐसी परिस्थितियां आई कि लोगों को मजबूर होकर के अपने अपने काम बंद करने पड़े और रोजगार तलाशने के लिए पिछले कोरोना काल में लोग जो बाहर गए थे वहाँ से आपाधापी मची थी और लोग परेशान हुए थे। इस बार हमारे प्रशासन ने इतनी बेहतरीन व्यवस्था की कि जो जहाँ था वहीं पर उसको काम दिया गया। बाहर से आने वाले, पलायन करके आने वाले मजदूरों की संख्या भी बहुत कम नगण्य थी, मुश्किल से 15 से 20 लोग बाहर से आए हुए हैं हमारे जनपद में, जो बहुत ही कम संख्या होती है। और आज हम ये कह सकते हैं कि मनरेगा की गाइडलाइन और ग्राम पंचायत के स्तर पर 15वें वित्त का जो धनराशि प्राप्त हुई और उनसे जो काम चला, तो कामगार और मजदूर वर्ग के लिए बहुत बड़ा सहारा था। लोगों की रोजी रोटी बंद नहीं होने पाई और आज हम RBN न्यूज़ को, चैनल को ये बताना चाहते हैं कि मैं अपने जो अनूपपुर जनपद की ग्राम पंचायतें हैं उनमें कहीं भी ये स्थिति नहीं है कि कोई काम ना पाए, किसी को पानी का संकट हो, किसी को भोजन की व्यवस्था ना हो, इस तरह का एक भी प्रकरण नहीं है। मैं ये बड़ी प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ और RBN ने हमारे पास आकर के इन समाचारों को
लेने का भी प्रयास किया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इतने पॉजिटिव हैं और सब तरह की बातों को हमसे शेयर कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर, एक छोटा सा प्रश्न और था, जहाँ पर जब ग्राम पंचायतों की बात आती है तो कई बार जो है तो लोग गलत फहमियों का शिकार होते हैं कि कई सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि कौन सी योजना हमारे लिए है या नहीं है, या कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सब कुछ जानकारी होने के बावजूद भी जो है तो लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतों की जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी हद तक जो है तो ठीक भी होती हैं और नहीं भी होती हैं, तो जानकारियों का अभाव होता है जो, तो ऐसे में जो है तो लोगों को क्या करना चाहिए था? अगर मान लीजिए किसी को सलाह चाहिए कि कोई पेंशनधारी है या कोई कुछ भी है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात कही है आपने। हमारा पहला उद्देश्य ये होता है कि गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं उनको समाज के अंतिम छोर में रह रहे गरीब, किसान, आदिवासी भाई तक हम उनको पहुंचा सकें। परंतु हमारी सरकार ने इस तरह की इतनी बेहतरीन व्यवस्था करके रखी है कि ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक सचिव, जनपद स्तर में PCO, ADO और उनके ऊपर जो होता है वो PCO रहता है, ब्लॉक समन्वय अधिकारी रहता है। इन तीन स्तरीय अधिकारी और कर्मचारियों की मदद से कोई भी योजना मेरे ख्याल से छूटने नहीं पाती हैं। नवाचार के लिए, नई चीज़ों को बताने के लिए हम साप्ताहिक समीक्षा बैठक भी लेते हैं। जो नई योजनाएं इम्प्लीमेंट करनी है, कैसे करनी है और किन किन लोगों की पात्रता बनती है, कौन कौन से हितग्राही इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें साप्ताहिक बैठक में नवाचार करके सचिवों के माध्यम से, रोजगार सहायकों के माध्यम से भेजी जाती हैं। फिर एक बहुत अच्छी बात है, महिला स्व सहायता समूह बना हुआ है, हमारे कई NGO भी बने हुए हैं जो हमारे गवर्नमेंट की योजनाओं को प्रचार प्रसार करने में, लोगों को बताने में कोई कोताही नहीं बरतते। मैं उन समूहों से भी कभी मिलता हूँ, कम से कम महीने में एक बार उनकी भी बैठक होती है। उस बैठक के माध्यम से जो नए हमारे नियम कानून बदलते हैं या जो हितग्राही को लाभ मिलना चाहिए उसका एक रोस्टर, उसका एक पंपलेट हम उन्हें प्रदान करते हैं, और प्रदान करने के बाद हम अगली बैठक में उसकी समीक्षा भी करते हैं कि कितने लोगों को आपने बताया, कितने लोगों को आपने लाभान्वित किया। तो मैं समझता हूँ कि ये तीन स्तर की जो प्रशासनिक व्यवस्था कर्मचारी अधिकारियों की बनाई गई है, इससे कोई भी जो योजना है, लाभ है, उससे हितग्राही वंचित नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, फिर भी एक ऐसे में जो है तो एक छोटा सा सवाल और भी है, जहाँ पर यह देखा जाता है कि जब हम ग्राम पंचायतों की ओर जाते हैं तो कई सारी विसंगतियाँ होती हैं, जैसे कुछ कार्य जो है तो आधे अधूरे पड़े होते हैं और भी मतलब कई तरह की चीज़ें होती हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो उन्मूलक मतलब जो बात आती है जिसको यह कहा जाए कि ग्राम पंचायतों में एक सबसे बड़ी शिकायत है कि लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है तो अधिकारियों का आवागमन जो है तो बहुत कम होता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है सर कि महीने में एक बार जो है कुछ ऐसी कैंप की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आप हो गए, आपके और भी जो निम्न स्तर के जो अधिकारी हैं या आपके उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं, तो उन्हें एक छोटी मोटी कैंपिंग करनी चाहिए जिससे लोगों तक जो है तो योजनाओं के बारे में सारी चीज़ों की जो है तो जानकारी और लगे हाथ जो है तो आप लोगों के पास भी एक आंकड़ा रहे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोरोना महामारी अभी जो चल रही है, इस महामारी में कोई कैंप करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम कर्फ्यू के दायरे में आते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन का हमको अक्षरशः पालन करना है और कराना भी है, लेकिन जब सामान्य दिन होते हैं तो गवर्नमेंट की ही योजना है ये, लगभग कई ग्राम पंचायतों में जन समस्या निवारण शिविर लगते हैं, कहीं जन समस्या निवारण शिविर अगर नहीं लगते हैं तो हम संकुल स्तरीय बैठक करते हैं, हम सेक्टर वाइज बैठक भी कर लेते हैं, वहाँ भी गांव के लोगों को बुलाते हैं। इसके बाद जो विशिष्ट राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के जो त्यौहार हैं, उन त्यौहारों में
ग्राम सभा की बैठकें होती हैं, ग्राम सभा में सभी पंच और सरपंच और गांव के प्रतिष्ठित लोग वहां पर पहुंचते हैं, बैठते हैं, गवर्नमेंट की योजना को बताते हैं। परंतु ऐसे में अगर ये कहा जाए कि गांव में बैठक नहीं होती और गांव के लोगों को ये जानकारी नहीं होती, तो मैं बहुत इससे सहमत नहीं हूँ। और प्रचार प्रसार का एक माध्यम हमारा सचिव और रोजगार सहायक है, और वहाँ पर एक चौकीदार होता है जिसे कोटवार बोलते हैं, उसके माध्यम से मुनादी होती है, और मुनादी होने के बाद गांव के लोग जो हितग्राही होते हैं वो आते भी हैं, और अगर कोई नहीं भी आ पाता तो उनके लिए हमारे सर्वे दल होते हैं, सर्वे करते हैं, पात्रता का निर्धारण करते हैं और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने में पीछे नहीं रहते, मैं ऐसा मानता हूँ। चलिए ठीक है सर, आपका मानना और कहना भी सही है, लेकिन मैं जिस कैंप की बात कर रहा हूँ, क्या अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और कई तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन जैसे अगर हम इनसे फुर्सत होते हैं तो जहाँ तक आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहूँगा, तो उन पर निरीक्षण करना शायद ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं। जहाँ भी हमको ऐसी जानकारी मिलेगी कि हमारे फला गांव के फला ग्राम पंचायत के लोग शासन की योजनाओं से वंचित हैं, वहाँ हम कैंप लगाएंगे। हम स्वयं भी जब हम कार्यालय से फुर्सत होते हैं तो लगभग 2-3 पंचायत का भ्रमण भी हम प्रतिदिन कर लेते हैं, और हमारा एक अभियान चलता है, तो उस अभियान के माध्यम से हम स्वयं जाकर अपने पीसीओ को, एडीओ को और खंड पंचायत अधिकारी को भेज करके इन समस्याओं का निराकरण कराने का मेरा पूरा प्रयास रहता है और आगे भी रहेगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जहाँ पर हम जो है तो आपको ऐसी कुछ जानकारियाँ जो है तो लगातार देते रहेंगे, क्योंकि आज जो है अगर देखा जा रहा है तो समाज भले ही शिक्षित हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो है तो सही जानकारियों के अभाव की वजह से जो है तो लोग जो है तो मिसगाइड होते हैं। अभी जैसे कि कोरोना का जो संकट था, इस बीच में भी जो है तो कई तरह की जो है तो विसंगतियाँ देखने को मिली, जहाँ पर जानकारी का अभाव होना जो है तो लोगों को जो है तो गलत परिणाम और गलत दिशा की ओर ले गया, और आज शायद ये स्थितियाँ थी कि लाशों के ढेर लग गए और जो है तो आज हर ग्राम पंचायतों में जो है तो धीरे धीरे करके जो है तो कोरोना के केस बढ़ते गए। हालांकि अब तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें नियंत्रण में आती जा रही हैं, लेकिन मैं फिर भी एक छोटी सी बात कहूँगा कि सही जानकारियाँ लोगों तक पहुँचनी चाहिए, और ये पहुँचाने का काम जो है जो भी विभिन्न तरह के जो अधिकारी होते हैं और जिन पर ये जिम्मेदारियाँ होती हैं ये उनकी होती है, और ख़ास करके हमारे जैसे लोगों की भी होती है, किस तरह से जो है तो हम इस पारदर्शिता को जो है तो आप तक ला सकें। इसलिए हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम जो है तो ऐसा ही चलता रहेगा। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।